इसमें क्या? बगदाद की पाक मिट्टी। अगर इस भूरी में रेत है तो भूरी फटने पर रेत बाहर क्यों नहीं आई? पता लगा आजादी कि असली खेल है क्या। कमीने की आंखों में साजिश की चमक साफ साफ नजर आ रही है। ये तो वही माला है जो अम्मी पहनती हैं। तो ये हमारे यहां तो हमारी अम्मी का कत्ल करवाना चाहता है। ये साजिश तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है सफर। दिल तो कर रहा है कि इसी की शमशीर इसके सीने में उतार दे, पर हमें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। क्या हैं? क्या सोच रहे हो आतिशबाज? निशाना लगाओ। ये आतिशबाज तो अच्छा है, लेकिन निशानेबाज उससे भी बेहतर है। हम अम्मी की माला देख सकते हैं। अब उस माला से अंदाजा लगा के हम ऐसा निशाना लगाएंगे कि ना सफर को शक होगा ना अम्मी को कोई खतरा होगा। अपनी अम्मी को तेरे इस घटिया खेल का शिकार नहीं बनने देंगे। आप क्या करोगे अलादीन? अब तो सर का ही निशाना बांधना पड़ेगा। सही खेल गए। सरा सभी चुके तो अम्मी नहीं, इतने परसों बाद हमें अम्मी मिली है। हम अम्मी को इस तरह नहीं खोने वाले। इम्तिहान के समुंदर की गहराई का अंदाजा लगाना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। लगता है आपको ये खेल समझ में नहीं आया शहजादे। लगता है खेल आपको समझ में नहीं आया सुल्तान। खेल में किसी इंसान की जिंदगी को खिलौना नहीं बनाते। यही सोच रहे हैं ना कि हमें कैसे पता चला? बताते हैं।
आपने कहा था कि इसमें रेत है, तो फिर चाकू लगने पर इसमें से एक भी रेत का कतरा क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें रेत है ही नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? ये औरत हमें इतने सालों में एक सदीके का शागिर्द नहीं दे पाई। जब से तुम यहां आए हो तुम्हें हमसे और तालीम घर से दूर रखा। गद्दार है ये औरत, और हमारे बगदाद में गद्दार की कोई जगह नहीं होती। फिर तो आपको भी कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। गद्दारी तो आपने भी की। हमने किससे गद्दारी की? हमसे, इस खेल में। अगर हमारा एक भी चाकू उन्हें लग जाता तो हमारे इस खेल का मकसद पूरा हो जाता शहजादी। सब जश्न में मसरूफ है, यही सही मौका है मच्छर का पता लगाने का। उस मच्छर को महल में रहने की इजाजत है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो मच्छर यहाँ काम करता है या वो सुल्तान का कोई जानने वाला है। बराबर, और ढूंढते बिड़ू कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यास्मीन, आप किसे ढूंढ रही? मुझे? हाँ हाँ, अपन तेरे को ही ढूंढ रही थी। मेरा बच्चा है तू। शुक्रिया चटपटक, मुझे तो आपसे गम बांटने का मौका भी नहीं मिला। उस शहजादे के आतिशबाज बन जाने का था, वो हक आपका या मेरा था? ले गया वो निकम्मा शहजादा। तुम्हारा हम पर जब सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है? अगर होते तो मुझे शर्मिंदा। शहजादा शहजादा शहजादा, तुम्हारी जिंदगी अलादीन के इर्द गिर्द घूमती रहती है क्या? आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। यास्मीन, ये शहजादे से इतनी खफा क्यों है? जरूर उसने कोई हरकत की होगी। अल्लाह, मतलब आप हमारे हाथों बड़ी उस्ताद का कत्ल करवाना चाहते थे? इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका नहीं लग गया क्या? वाकई में ऐसा सब कुछ याद आ गया? चलो देखते हैं। आपको हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, वो हमारी। ये तुम्हारी क्या? ये हमारी बड़ी उस्ताद है, और अगर इन्होंने गद्दारी की होती तो ना हम पानी पर चल पाते और ना ही आपके आतिशबाज होते। आपको हमारी खातिर इन्हें जिंदा रखना होगा। सुल्तान, आपकी मुहिम को पूरा कर पाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती, और समझदार दुश्मन को खत्म करता है पर अय्यार उस पर नजर रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसका फायदा उठाते हैं। फायदा तो तुम रुखसार बेगम को जिंदा रखना चाहते हो? सोचिए सुल्तान, सोचिए। इन्होंने हमें पानी पर चलना सिखाया, आग पर काबू पाना सिखाया। कल को आपकी मुहिम को पूरा करने में हमें हवा से लड़ना पड़ गया तो, या फिर किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया तो उस मुसीबत का सामना करने की तैयारी में अरे आएगा। कोई तैयारी नहीं होने वाली, सीधा मुहिम पर जाया जाएगा। समझ गए? देखिए सुल्तान, हम जानते हैं कि आपके पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें इजाजत दें कि हम बड़ी उस्ताद को अपने साथ मुहिम में ले जाएं। सीधी बात सुल्तान, जब तक मुर्गी सोने के अंडे दे रही है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो सोने के अंडे देना बंद कर देगी वरना आप ही का नुकसान है।
आपकी इजाजत हो तो क्या हम सिपाहियों को बुलाएं इन्हें ले जाने के लिए? सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और जब इन्हें होश आ जाए तो तालीम घर ले जाना हिफाजत से। हम लोग सिर्फ सुल्तान के हुक्म को मानते हैं। अब सुल्तान, आपके हुक्म का इंतजार हो रहा है। सुल्तान देखिए, आपका और हमारा मकसद एक है, बस थोड़ा तरीका अलग अलग है। आप भी हमारा ये तरीका आजमा लीजिए, फायदे में रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। खुफिया कमरे में रखा जाए और जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता इन्हें वहीं रखना। कहीं ये लौंडा हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? ये महल वालों का तो जलवाई अलग है भिड़ू। अपुन को लगता है ये उस शानी जहर का कमरा है, पर मुच्छड़ जहरीली के कमरे में क्यों होएगा? चटर पटर, मुच्छड़ महल में ही रहता है और सुल्तान की बहन भी, हो सकता है। आला, बोले तो जहरी मुच्छड़। इस जगह पर बड़ा लोचा लगता है बाप। कोई सुराग नहीं मिल रहा। आला, अब क्या करें यास्मीन? हमें चलना चाहिए। हमारा काम करना ही होगा, ना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पानी फिर जाएगा? अब उन लोग ज्यादा देर इधर रुका ना तो अपना तीनों का किस्मत बिगड़ जाएगा। निकलने का सोच। अच्छा, शाम होने से पहले तो गोदाम से बहुत जरूरी सामान जाना था। गड़बड़ नहीं हो सकती, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। भाईजान वहां मशरूफ है, मैं ही जाकर देखती हूँ। शुक्र है, अम्मी को बचाने में हम कामयाब हो गए। कामयाब। और अब जो उसके शक की सुई आपकी ओर घूम गई है उसका क्या? शहजादे जफर वो अजगर है जिसे अगर खत्म करना है तो आपको उसका शिकार बनना होगा, तभी आप से चीर कर खुद को आजाद कर पाएंगे और इस मुल्क को भी उसके कहर से आजाद कर पाएंगे। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जफर को आपसे शक की बू नहीं, यकीन की महक आए। जहर मुच्छड़ है? सुल्तान जहर के कमरे की तरफ जा रहे हैं। जहर अभी मुच्छड़ के हुलिये में है। अगर सुल्तान ने उससे कुछ भी सवाल किया इसका मतलब है कि वो इस सब नाटक से अनजान है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो झोल है बाप, बोले तो मुच्छड़ भी शाना, सुल्तान और भी शाना। चल। यास्मीन, ये कबूतर फिर आ गया। कटले कटले पानी, पानी। अबे, इधर से किसी की आवाज आ रही है, पानी। कोई पानी मांग रहा है। पानी,
बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद आंखें खोलिए, मैं हूँ यास्मीन, बड़ी उस्ताद। पानी पीजिए। आप ठीक है? कौन? ये सब किसने किया? कोई खजूर लोग आपके पीछे ही पड़ गया है। हाँ, आप पर ये सब हमले कौन करवा रहा है? कहीं मुच्छर तो नहीं? दीवारों के भी कान होते हैं यास्मीन। ये सारी बातें हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ से जल्दी निकलने का कोई ना कोई तरीका सोचना चाहिए हमें। चलिए यहाँ से चलते हैं। बड़ी उस्ताद, इस तरफ से नहीं, कोई देख लेगा। तो फिर उस तस्वीर के पीछे एक खुफिया रास्ता है, हम वहां से जा सकते हैं। हे, तेरे को कैसे मालूम? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रास्ता है। देखते हैं। बाप रे, तुझे कैसे पता? मुझे सचमुच कैसे पता कि यहाँ कोई रास्ता है? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अभी बड़ी उस्ताद को यहाँ से सही सलामत निकालना है। बड़ी उस्ताद आइए। ये तुमने हमारा हुलिया क्यों ले रखा है? वो सब छोड़िए भाईजान, आप हमारा यकीन नहीं कर रहे, हम आपको फिर दोहरा रहे हैं। अलादीन को सब याद आ गया है, पर वो क्यों रुखसार को मारने से मना करता? यूं ही चलता रहा ना भाईजान, तो आप अपने काले चिराग के ख्वाब को तो भूल ही जाएं। याद रखिएगा शहजादे, एक गलती की वजह से ये खेल मौत का खेल बन सकता है। क्योंकि अगर जफर को आपकी साजिश की भनक लग गई तो वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। खैर, अलादीन अगर कोई साजिश कर रहा है तो इसमें उसी का नुकसान है, और अगर कोई साजिश नहीं कर रहा है तो हमारा फायदा। चाहे खेल कोई भी खेल है, जीतेंगे तो हम ही, काला चिराग, काला जिन, दोनों हमारे ही होंगे। हम किसी भी कीमत पर जफर को काले चिराग का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। काला जिन जफर की जिद है, जो हम जी जान लगा देंगे पर पूरी नहीं होने देंगे।